हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हो, मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, परफ्यूम के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन में क्लिक करके रखो ताकि मेरा आगे जितना भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों आज जिस परफ्यूम के बारे में आप लोगों से बातें करेंगे वो है लताफा हाउस का एना अभियुत। दोस्तों मेरे पास ये 30 ml का बोतल है और ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेडीज़ जेंट्स दोनों ही लगा सकते हैं और ये एक ओरिएंटल टाइप का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। तो बातें करेंगे इसका प्रोजेक्शन लॉन्गजिविटी लेके और इसका जो नोट है उसको लेके आगे। पहले इसका बोतल का गेटअप देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा बोतल है, सामने प्रिंटेड किया हुआ एक डिज़ाइन दिया हुआ है, लिखा हुआ है एना अभियुत और पीछे लताफा का होलोग्राम दिया हुआ है एनग्रेविंग करके। और सबसे अच्छा मुझे लगा इसका कैप। दोस्तों किसी दूसरे परफ्यूम का याद हमको दिला रहा है। अगर आप लोगों को लगता है किसी परफ्यूम के साथ इसका कैप मैच कर रहा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा परफ्यूम के साथ ये मैच कर रहा है। दोस्तों इसका मिस्टिंग भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा। दोस्तों पहले ही मैंने बोला ये एक ओरिएंटल टाइप का फ्रेग्रेंस है और ये स्वीट फ्रेग्रेंस है और स्वीट फ्रेग्रेंस जिन लोगों को अच्छा लगता है उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के लिए ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका नोट जो है दोस्तों, इसको टॉप नोट में हम लोगों को मिलेगा बिटर डमन और सेफ्रन। तो शुरुआती में जो नोट हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों, हम लोगों को एक मीठा एहसास दिला रहा है। अमन ऑयल इशेंशियल जो ऑयल है वो थोड़ा सा मीठा ही है इसमें और सेफ्रन का भी जो खुशबू है वो भी स्वीट फ्रेग्रेंस का मज़ा देता है। मिडिल नोट में हम लोगों को मिल रहा है दोस्तों जैस्मिन और सीडर। दोस्तों जैस्मिन का जो नोट इसमें दिया हुआ है वो मुझे उतना खास नहीं मिला, बहुत ही लाइट है। अगर किसी को यूज़ करने से लगा होगा तो ठीक है और लेकिन मुझे जैस्मिन का मज़ा इसमें नहीं आया। और सीडर का जो है एक पाउडरी एलिमेंट, आपको गर्मी में पाउडर लगाने का अगर किसी को अच्छा लगता है पाउडर का स्मेल तो इसमें आपको पाउडर का भी एक स्मेल मिल जाएगा, बहुत शानदार मीठा एक स्वीट। और बेस नोट में मक्स वुड और आपको अम्बरगिस का नोट मिलेगा बेस नोट में। तो मक्स वुड का जो नोट है दोस्तों वो बहुत देर तक आपको रहेगा कपड़ों के ऊपर और थोड़ा वुडी टाइप का फीलिंग्स, लाइट स्वीट वुड टाइप का एक फ्रेग्रेंस रहेगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक मुझे जो नोट इसमें सबसे अच्छा मिला वो है बिटर आमंड का जो मीठा ऑयल का जो परफ्यूम है और तेल है उसका ही एक स्मेल हमको बहुत अच्छा आया और सेफ्रन का और पाउडरी एलिमेंट का जो है उसका जो सीडर का। तो दोस्तों ओवरऑल ये परफ्यूम थोड़ा स्वीट है तो किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो इसका लॉन्गजिविटी और प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहले तो इसका जो कपड़ों में मुझे लास्टिंग मिला है दोस्तों 6 से 7 घंटा और स्किन में मुझे लॉन्गजिविटी मिला इसका 4 से 5 घंटा और प्रोजेक्शन इसका बहुत लाउड है और 3 से 4 फीट के ऊपर ही इसका प्रोजेक्शन मिला है 2 से 2.5 घंटे के आसपास। तो कॉम्प्लीमेंट दोस्तों ये तो उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों को अगर स्वीट फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है तो वो कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को देगा और जिन लोगों को स्वीट फ्रेग्रेंस उतना अच्छा नहीं लगता होगा तो कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा।
अब इसके प्राइस के बारे में दोस्तों बोल देते हैं। मुझे 30 ml का बोतल का इसका प्राइस पड़ा है 900 के आसपास, और बड़ा बोतल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है इसका। जिन लोगों को स्वीट फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है दोस्तों, वो लोग इसको ट्राई कर सकते हो। पाउडरी स्मेल अच्छा लगता है, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा यार, ख़राब भी नहीं बोलूँगा दोस्तों। जिन लोगों को स्वीट फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, वो लोग ये परफ्यूम एक बार ट्राई कर सकते हो। जाते जाते दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ दोस्तों। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक और शेयर करो मेरे वीडियो को। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो लेके आपके साथ। और खुश रहना, मज़े में रहना और महकते रहना। बाय।